करना जुलम ना अच्छा है, मानस में डर नहीं, मानस में डर। राम राम भाई, दिस साइड रिकी शर्मा फ्रॉम हरियाणा, और हरियाणा में थोड़ी सी एंट्री मारी है, ठीक है। मेरे साथ में सोनी काजी हरियाणा की मसूर। राम राम जी, बोलो कुछ। सबसे पहले सारा ने राम राम, बहुत ही जल्द हमारा बहुत ही अच्छा एक भोले बाबा का सॉन्ग आने वाला है, तो रिक्की ने और मैंने साथ में काम किया है। आप लोग देखना, उसको शेयर करना, सपोर्ट करना हम लोगों को कि कुछ और भी अच्छा करें। और इधर इधर देखें, इधर ये आ रहे हैं, ठीक है। उधर इधर कैमरे वाले इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। ये लगे हुए यहाँ पे सारी टीम, तो भाई थैंक यू सो मच। बॉम्बे जैसा कुछ दिखा नहीं सकता क्योंकि इतनी औकात नहीं है अपनी, ठीक है। थैंक यू सो मच सपोर्टिंग एंड शेयरिंग। हम सब ने मासूम भाई अपने साथ में, ठीक है, अपने लिए गाना गाया खास तौर पे, कौन से किसपे? राम राम दोस्तों, भाई एक बहुत बढ़िया गाना है रिक्की भाई के साथ भोले बाबा का, और बहुत जल्द आपके बीच में लेके आ रहे हैं। अच्छा गाना है, और अपना प्यार बनाए रखना, ठीक है भाई। जय हरियाणा, जय भारत। थैंक यू सो मच मासूम भाई, ठीक है। तो तुम्हारा खुड़क थी थोड़ी सी मन की, वो और बैठ दी कि भाई हरियाणा में आ गया भोले के जरिए में एंट्री मार रहा है अभी। थैंक यू सो मच भाई, ठीक है। राम राम भाई, YouTube पाने बाद में गजेंद्र भाई के पास आया मैं, इंटरव्यू लिया। बताओ भाई कुछ क्या कहना गजेंद्र भाई का, और कुछ मेरे बारे में। रिक्की शर्मा एंटरटेनमेंट चैनल है भाई का, तो आप सब्सक्राइब कर दो, और उस पर इंटरव्यू भी इसने मेरा लिया, पता नहीं मन में इसका लिया किसने मेरा लिया, मेरा नहीं भाई। इसको पूरा सपोर्ट करो भाई, बावड़ा बालक से कर दियो। थैंक यू भाई, लव यू, ठीक है। चलो ठीक है, कुछ तो कहा भाई ने, ठीक है भाई। रिक्की शर्मा एंटरटेनमेंट है उसके ऊपर, और मेरा ये टिकटॉक पर रिक्की शर्मा 8 के नाम से आईडी है। यहाँ पे आपका मैंने प्रोफाइल डाल रखी, क्या बोलते हैं यार, भूल गया यार, जो भी कर लिंक कर रखा है मैंने, यूट्यूब का बटन दबा रखा है। लव यू भाई, ठीक है बाय। गजेंद्र भाई का इंटरव्यू आवा देखियो, कह रहा है उसमें बहुत ओपन बंदे ने ऐसी ऐसी बात बोली, धज्जियां उड़ा रखी सारे सोते ही, ठीक है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। और भाई अब चुप रहा है भाई, मैं रिक्की शर्मा, और आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ किसी से, और इधर है मेरे साथ में नाथ, और ये सत्या खबर से है, ठीक है। और ये मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं अभी, ठीक है। मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा दिखाएंगे, पूरा दिखाएंगे, बट आई डू रिस्पेक्ट जैसा भी आप दिखाओगे। एंड थैंक यू सो मच, लव यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। तो भाई वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ये क्या आ गया, कॉपीराइट आते रहते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ तो वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, तो भाई बात ऐसी है, ऐसी वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। लेकिन आप अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, स्टे होम स्टे सेफ वगैरह वगैरह जो भी कुछ भी, और अपनी वाइफ के पास जाएं, और इस तरह की वीडियो ना देखें, और बाहर ना जाएं, आपको सजेशन दूंगा मैं। क्योंकि यार बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, जिन्हें देख के हम बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं, उधर चल जाते हैं, घुस जाते हैं। हाँ तो बात रही इनकी मॉडल्स वगैरह वगैरह एक्टर्स की, तो इनके बजट होते हैं, महंगे महंगे बजट होते हैं, तो इस तरह इनकी एक्टिविटी होती है, इस तरह इनका मेकअप होता है वगैरह वगैरह। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरे को YouTube ने बोल दिया फाइनली कि रिक्की अगर तूने ऐसा किया तो तेरा चैनल हम उड़ा देंगे। पता नहीं क्यों बोल रहा, मुझे मेरे को समझ में नहीं आया। और अभी मैंने वीडियो डाला था अभी, तो YouTube ने मेरे को वार्निंग दी है काफ़ी, तो कुछ मैं तो सोच रहा था कि इस पे जाके हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है, तो क्या करें यार। तो मेरे दोस्तों लव यू, और यहाँ पे भी एक लिमिट होगी, पता नहीं क्या चक्कर है, ये मैंने जानबूझ ही कर दिया क्या नहीं, मतलब कि उसके अंदर ये था कि वीडियो के अंदर मैंने गाड़ी क्लोज कर रखा, ठीक है भाई कोई बात नहीं, गाड़ी क्लोज है जो भी है, किस तरह की बातें, लेकिन उसके अंदर जो पैसा है वो जा कहाँ रहा है? तो मेरे को पैसा दे नहीं रहा था यूट्यूब, और उसके अंदर ऐड आ रही थी, अभी यूट्यूब पता नहीं क्या बोल लेगा। मैंने वो कर दिया, फिर उसको हटा ही दिया वीडियो को, क्यों बेकार में बकवास, बेकार में पैसा का दे ही नहीं रहा, पैसा किसी और को जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरे को पैसा तो नहीं मिला, मैंने बेकार में मेहनत की, पैसा किसी और के पास जाएगा तो मेरे को क्या करना, क्या मतलब मैंने क्यों वीडियो डालना, ठीक है भाई। तो प्लीज़ यार अपना ध्यान रखो, सभी के सभी मजे लो, एंजॉय करो। पता नहीं ये वीडियो मैंने क्यों डाली है, डाली इसलिए शायद, बोल भी नहीं सकता यार, यूट्यूब कुछ ना कुछ पंगा कर देगा फिर। तो मेरे कहने का मतलब है, जो मैरिड पर्सन अपने घर पर रहें और इस तरह की चीज़ों पर ध्यान ना दें, यही मेरा मतलब था। Goodbye, I love you.